हाय गाइस, वेलकम बैक टू रेविंग मोटर्स। तो भाई आज की हमारी वीडियो रहने वाली है ह्यूंडई ओरा का 0-100 के ऊपर। आप ही देख सकते हैं हमारी कार बिल्कुल प्योर पेट्रोल है, 14,900 किलोमीटर चली है, बिल्कुल नई कार है हमारी। तो हम इसका 0-100 करने वाले हैं, आप आगे देख सकते हैं, और बाकी उससे भी थोड़ा ऊपर ही जाएंगे जितने महंगे जा पाएंगे। और उसके बाद फिर मैं एक बार इसका ब्रेक टेस्ट भी करके दिखाऊंगा इसी वीडियो के अंदर। तो अभी आपको दिखा देता हूँ, एसी में कर देता हूँ इसको ऑफ, और अभी इसमें ऑन बोर्ड पैसेंजर 2 हैं, और टायर वगैरह का आपको मैं बाद में बताऊंगा इसमें कौन से टायर डलेंगे। तो मैं इसका 0-100 स्टार्ट कर रहा हूँ। तो 100 तो भाई ये टच कर गई है, बाकी परफॉर्मेंस वाइज है ना कार काफी सही है। ब्रेक टेस्ट मैं आपको दोबारा करके दिखाऊंगा। अभी थोड़ा सा जो हमारा रोड है उस पर हल्का सा ट्रैफिक आ गया था, तो 0-100 में भी सही परफॉर्मेंस है। और अभी जो इसकी टायर प्रोफाइल है वो काफ़ी ज़्यादा दली हुई है इस कार में, इसके जो अलॉय हैं वो भी काफ़ी सही दले हुए हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी बाहर उतर के। तो इस हिसाब से कार सही पिक कर लेती है, 100 भी सही टाइम पे पहुंची होगी, बाकी वो मैं आपको टाइम डाल दूंगा एक्यूरेट कितने टाइम में पहुंची है। और एक बार मैं आपको ब्रेक टेस्ट करके दिखाता हूँ इसका 80 पे। तो अभी हमारी पहुंच गई 80, और अब हमारा ब्रेक टेस्ट है। तो भाई ब्रेक भी काफ़ी बढ़िया लगे, ABS एक्टिव भी हुआ, और जो हमारा इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस है ना वो काफ़ी कम था कार का, काफ़ी बढ़िया रुकी हमारी कार। तो ब्रेकिंग में तो कार काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रही है, क्योंकि इसमें जो एक्चुअल साइज है ना उससे हमारा थोड़ा चौड़ा गला हुआ है, तो एक ग्रिप बनाती है जो हमारा रोड पे वो काफ़ी अच्छी बनाती है। तो उसके कारण इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस पहले से काफ़ी कम हो गया। अब मैं आपको एक बार दोबारा करके दिखाता हूँ, और फिर मैं आपको एक बार इसका और दिखाऊंगा टायर साइज क्या डला हुआ है इसमें इनका। बाकी थोड़ा सा ना लो एंड टॉर्क कम है ह्यूंडई का एज़ कम्पेयर टू, अगर हम मारुति करें तो मारुति का थोड़ा लो एंड टॉर्क ज़्यादा रहता है, लेकिन ह्यूंडई का हमारा कम है इसमें। बाद में सही आता है, 4,000 RPM के बाद कार काफ़ी अच्छा पिक करती है, लेकिन उससे पहले हल्का सा कहीं ना कहीं फील होता है कि परफॉर्मेंस में हल्की सी कहीं कमी है, उसके बाद तो फिर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है कार। देखिए अब 4,000 के बाद तो भाई एकदम भागती है कार। इस बार तो हमारा AC भी होना है, तो 0-100 बिल्कुल हमारा परफेक्ट हुआ था। 0-100 का मैं और कोई राउंड नहीं करूंगा, बिल्कुल हमारा परफेक्ट हुआ था। तो उसमें जो टाइम होगा एक्यूरेट वही टाइम हमारा रहेगा। ब्रेक टेस्ट मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ आपको, आगे करके दिखाऊंगा। ये बाकी है ना हल्की सी कांप रही है कार, ये देखो ब्रेक लेने पर हल्की हल्की इसका जो स्टेयरिंग है ना वो हल्का हल्का कांप रहा है। अब ये मेरे को नहीं पता क्यों कांप रही है, ये इसमें क्या प्रॉब्लम है, शायद बैलेंसिंग वगैरह का इशू होगा, हो सकता है बैलेंसिंग के कारण ही कांप रही हो। दोबारा इसका मैं ब्रेक टेस्ट भाई अब करूंगा इसका 100 या 120 पे, तो उस वाले ट्रैक पे चलते हैं, उस पर मैं आपको 100 या 120 पे करके दिखाऊंगा। और बाकी भाई हमारा जो ट्रैक है ये बिल्कुल अंडर कंस्ट्रक्शन वाला है, तो इसलिए यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, इस पर ट्रैफिक वगैरह कुछ भी नहीं चलता, नॉर्मल सारा ट्रैफिक इस पर बंद है, नॉर्मल ट्रैफिक। अब मैं एक बार आपको पहले इसके टायर साइज दिखा देता हूँ, इसमें टायर साइज क्या डला हुआ है। यूटर्न लेके एक बार मैं आपको टायर साइज दिखाता हूँ, उस टायर साइज से ना इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी इंक्रीज हो रखा है, तो हल्का सा एक्सेलरेशन में उससे भी दिक्कत आएगी। और अभी हमारे जो टायर हैं ये मड फ्लैप के हल्के से अटक गए थे, क्योंकि थोड़ा बड़ा साइज है और चौड़ा है, तो इसलिए हल्के से अटक गए थे। बाकी हमारे लॉन्च किया था जब, आप देख सकते हैं स्किट लगी हुई है कार की। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार इसका टायर साइज, ये आप देख सकते हैं इस जो स्किट है ये हमारी कार की है, और ये देखिए आप इसका टायर साइज। तो टायर साइज भाई इस कार में डला 175/65 R15 अलॉयज इसमें नियो के डले हुए हैं। आप टायर देख सकते हैं कितने ब्रॉड हैं, कार से काफ़ी बाहर हैं दोनों तरफ से, आप देख सकते हैं इसमें। तो हमारा जो टायर साइज है वो काफ़ी सही डला हुआ है, जो इसमें नॉर्मल आते हैं वो हमारे 165 आते हैं, वो काफ़ी पतले होते हैं, लेकिन ये वाला जो हमारा टायर साइज है ना भाई ये वाला हमारा ब्रॉड डला हुआ है, तो इससे भी ब्रेकिंग पे काफ़ी फर्क पड़ता है, और एक्सेलरेशन में हल्का एक्सेलरेशन इसका कम हो जाता है। तो मैं आपको एक बार यानी इसका 120 पे ब्रेक टेस्ट करके दिखाता हूँ। अब देखिए अब जो इसमें टॉर्क आएगा ना ये काफी बढ़िया भाई, अंडर टच कर गई है ये हमारी 120 पहुंच गई है।
तो ये थे भाई हमारे और आगे 120 पे ब्रेक टेस्ट। तो इस बार इसने स्टॉपिंग में थोड़ा काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही ले लिया। ये आप स्किड देख सकते हैं हमारी कार की, वहाँ तक जो जा रही है ना उस बोर्ड से थोड़ा पहले वहाँ पे जो जा रही है वहाँ से हमारी कार रुकनी शुरू हुई थी। तो इसमें थोड़ा है ना वहाँ पे एक्चुअली क्या था, हल्का सा है ना सरफेस एक जैसा नहीं था, हल्की सी वहाँ कार उछली तो इसलिए इसका ABS एक्टिव हो गया था काफ़ी ज़्यादा, तो इसलिए इन्होंने थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा दिया रुकने में। और बाकी तो ब्रेक सही परफॉर्म किया, मतलब 120 की स्पीड भी थी हमारी तो ठीक है भाई, मतलब ब्रेक पहले से तो बहुत बढ़िया हो गया, हालांकि पहले इसके काफ़ी बेकार ब्रेक थे कार के। तो ये थी भाई एक वीडियो Hyundai Ora का 0-100 और ब्रेक टेस्ट के ऊपर। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।